अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज भाइयों को बताएंगे कि देसी यूपीएस के साथ सोलर सेटअप को किस तरह लगाते हैं, जो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं बग़ैर इन्वर्टर के। तो बड़ा आसान सा फार्मूला है, हमने एक सेटअप लगाया है, हम सोच रहे थे कि भाइयों के साथ शेयर करें। तो आपको बताते हैं कि हमने ये किस तरह सेटअप लगाया है। ये एक अदर देसी यूपीएस है और एक अदर 160 एम्पीयर की बैटरी है। अब ये देखिए, इसके साथ हमने कंट्रोलर लगाया है। ये ऊपर से कंट्रोलर की तार आ रही है, साथ में हमने इसके 30 एम्पीयर का कंट्रोलर लगाया है जो आउटपुट निकाल के सीधा बैटरी को दे रहा है। और बैटरी से ये जो यूपीएस है ये वो साथ अटैच किया है। अब सिंपल सा फार्मूला है, इधर से हम इसको बंद करेंगे और ये हमारा कंट्रोलर जो ऊपर से पीवी आ रहा है वो यहाँ से शिफ्ट होके वो हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। तो बैटरी 12 वोल्ट पे चार्ज होती है, जिसको चार्ज हमारा सोलर पैनल करेंगे। और 220 आगे निकाल के ये वाला जो एसी यूपीएस है 220 वोल्ट निकाल के देगा। और आप देख सकते हैं ऊपर ये बैटरी हल्की हल्की चार्ज हो रही है, ऊपर बादल भी बने हुए हैं, मौसम ख़राब है जिसकी वजह से जो सही तरह बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही। तो ये बैटरी ज़्यादा बड़ी है, हम इसको क्योंकि हमने दो सोलर पैनल लगाए हैं तो हम आप देख रहे हैं ये बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे कि हमने ये इसका यहाँ से यूपीएस बंद कर दिया है ये अभी, ताकि हमारा जो इसका मेन फार्मूला है कि ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है अच्छा दोस्तों, बात ये है कि सिंपल सा फार्मूला है, जो हमने ये आपको सामने चार्ज कंट्रोलर लगाया है तो बड़ा सिंपल ये ख़ुद भी लगा सकते हैं। जिन भाइयों के पास ये वाला यूपीएस घर में पड़ा हुआ है वो ये कंट्रोलर लगा के ऊपर से पीवी ला के इसको साथ स्केल लगाएं और आउटपुट निकाल के यहाँ इसको बैटरी के साथ लगा दें और बाकी सेटअप सारा तकरीबन वैसे ही लगा रहेगा। और सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपने जब इसको चलाना है तो आप यहाँ से इसको इसका जो यूपीएस का बटन है इसको यहाँ से बंद कर देंगे और आपका यूपीएस चलता रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो पीवी आ रहा है वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है 12 वोल्ट में और आपका जो यूपीएस है वो 220 लेकर बैटरी से इसको आगे 220 दे रहा है। तो महंगे इन्वर्टर लगाने से बेहतर है, भाइयों को मशवरा देंगे कि जिनके घर में ये वाला यूपीएस है, कोई भी है देसी यूपीएस, वो इसको अटैच करें अपने क्या कहते हैं उसको पुराने यूपीएस सेटअप के साथ। सिर्फ सोलर पैनल लाएं साथ में, हमने दो पैनल लगाए आपको ऊपर जाके दिखाएंगे कि उसके साथ 30 एम्पीयर का हमने ये कंट्रोलर लगाया है। तो इसके साथ बिल्कुल सेटअप बहुत अच्छा, तकरीबन हमें एक हफ़्ता हो गया, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ जी, ये हमने इसका ना फ़ैन चेंज किया है, एसी डीसी लगाया, इधर पहले ये वाला फ़ैन लगा हुआ था ये वाला, इसको हमने उतार के बाहर लगा दिया क्योंकि ये वापटा पे था, और इसको इधर लगाया क्योंकि ये 55 वाट का है और ताकि हमें बैटरी का बैकअप भी ज़्यादा मिले। तो कुछ चेक करवाते हैं, ये देखिए ये फ़ैन चल पड़ा है। और ये सेटअप फिर ही कामयाब होगा अगर आपने इसके पॉइंट मखसूस किए होंगे, यानी कि जिस तरह ये देखें इधर
इस रूम में एक ये वाला एलईडी बल्ब और एक पंखा है जो वो सोलर सेटअप के साथ जो हमने लगाया अटैच है। एक फ़ैन और उसके साथ एक लाइट चल रही है वो सोलर सेटअप के साथ है। और तकरीबन जो दो रूम है दोनों में एक पॉइंट बल्ब का है और एक फ़ैन का है। और टोटल तकरीबन इसमें ये आप देख रहे हैं हमारे पास सामने 200 वाट की दो प्लेटें हैं सोलर पैनल। तो इसको हमने किस तरह हमेशा की तरह ये भी पैनल दोनों हमने पैरेलल में जोड़ दिए हैं।